इनके मुकाबले में शेख रशीद है। अब्बासी साहब ने अपने हलके में काफ़ी काम भी करवाए हैं और दूसरों का भी कहना यह है कि हमने बहुत काम करवाए हैं। इस वक्त हमारे साहब हनीफ अब्बासी साहब मौजूद है जो NS-60 से कंटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। इनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब, आपने अपने हलके में काम भी बहुत करवाए हैं लेकिन लोग काम कम देखते हैं, बाद में जो है वो ताज़ा तरीन खबरों पर आ जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, ताज़ा तरीन खबरों में भी हमें और बासी खबरों में भी हमें हर जगह हम मौजूद हैं। पहले काम, लोगों के साथ ताल्लुक, काम नहीं सिर्फ बल्कि हम लोगों में खुशियों में शरीक हुए हैं, गमों में शरीक हुए हैं। हम लोकल हैं। शेख जो मेरा अपोनेंट है वो F7 का रहने वाला है, उसका रावलपिंडी सब कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी वो और उसके बावजूद वो पार्लियामेंट में लानत भेजने वाला आदमी, उसको तो पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो अपना आखिरी इलेक्शन लड़ रहा है। जो शख्स आखिरी इलेक्शन लड़ रहा हो उसका आवाम के साथ क्या दिलचस्पी रहेगी? ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं कि एक तो कारकर्दगी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रावलपिंडी के अंदर, और दूसरी मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। इन दोनों चीज़ों के साथ खूबसूरत और इम्तजाज के साथ हम लोगों के पास जा रहे हैं। रात 2:30-3 बज जाते हैं और यही सिलसिला जारी सारी रहता है ये गली मोहल्लों वाला जो आपके सामने है। वाज साहब, ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून पे अब थोड़ा सा भारी वक्त है, ये केसेस भी उन पे चल रहे हैं, तो आप इलेक्शन का रिजल्ट क्या देखते हैं? देखिए, मेरा हम तो भारी वक्त पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं और सियासत के अंदर हमेशा भारी वक्त लीडरशिप के ऊपर रहता है, जिसने सच्चाई की बुनियाद को सियासत करनी है, दिलेराना सियासत करनी है। तो मियां नवाज शरीफ इस मामले से कोई 3 से 4 मरतबा गुजर चुके हैं। हम भी अपनी पूरी ज़िंदगी में 35 साल लाइफ में 3 दफ़ा ऐसे मामला से मुश्किल मामला से गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मेरे ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप करेंगे। अब बाकायदा तौर पर ये कंपेन में अपने हल्के में निकले हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स देखें ना, जिन गलियों पर आप खड़े हैं, ये गलियाँ देखें, इसकी सफाई देखें, आप रावल रोड पे चले जाएँ, रावल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देखिए, रावल रोड खुद देखें, पार्क देखें, शिवाज पार्क देखें, आप हमारे 46 फेडरेशन ब्रांच देखें, इन गर्ज के मरी रोड पे चले जाएँ, आपको यूरोलॉजी नज़र आएगा, मेट्रो नज़र आएगी, फारूक आजम रोड पे चले जाएँ, आपको अस्पताल कॉलेज नज़र आएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नज़र आएगा, खेल के मैदान कॉलेज में चले जाएँ, स्कूलों में चले जाएँ,